आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट विल लॉन्च ऑन 2 सितंबर 2023 एट 11:50 AM फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को 2 सितंबर 2023 को 11:50 AM पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। PSLV-C25 रॉकेट आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाएगा। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी के एकदम पास आएगा तो उसमें लगे छोटे इंजन्स को फायर करके उसे थोड़ा दूर भेजा जाएगा, और जब जब वह पृथ्वी के पास चक्कर लगाते हुए नज़दीकी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसे छोटे इंजन्स को फायर करके उसे दूर भेजा जाएगा जब तक वह पृथ्वी के कर्व स्पेस से लगभग बाहर ना निकल जाए। पृथ्वी के कर्व स्पेस से बाहर निकलने के बाद उसमें लगे बड़े इंजन्स को फायर किया जाएगा जिससे उसे L1 पॉइंट तक पहुंचाया जाएगा। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के पास सूरज का चक्कर लगाएगा। L1 पॉइंट के पास सूरज का चक्कर लगाने वाले एरिया को हेलो ऑर्बिट कहते हैं। L1 पॉइंट के पास आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 178 दिन लगेंगे। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लगभग 126 दिनों के अंदर L1 पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में 7 पिलोट्स लगे हैं, मतलब 7 उपकरण लगे हैं जो सूरज के अलग अलग हिस्सों की जांच करेंगे। लगभग 5 साल और 2 महीने तक सूरज के अलग अलग हिस्सों की जांच करने के लिए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।